तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। इस बार पार्टी ने कुछ मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसमें नुसरत जहां का नाम प्रमुख है। टीएमसी ने बसीरहाट लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद नुसरत जहां की जगह अपने पूर्व सांसद हाजी नरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। पाम एवेन्यू फ्लैट कांड और हालिया संदेश खाली घटना के चलते नुसरत जहां का नाम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया है। इस फैसले को लेकर पहले भी अटकलें आ चुकी थीं, लेकिन उम्मीदवारों की सूची के आने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग ने नुसरत जहां की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई थी। हालांकि आखिरी फैसला तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेना था। आखिरकार नुसरत जहां का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। सांसद नुसरत जहां पर आरोप था कि वो पाम एवेन्यू संस्था से जुड़ी थी। उस संस्था ने कई वरिष्ठ नागरिकों को ठगा है। ईडी के अधिकारियों ने नुसरत जहां से पूछताछ की थी। लोकसभा चुनाव से काफी पहले तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा केंद्रवार एक सर्वे कराया था। ऐसे में नुसरत जहां की सीट से स्वीकार्यता पर भी सवाल उठता है। काफी समय से पार्टी के भीतर इस केंद्र में नया चेहरा तलाशने का काम शुरू हो गया था। इस सीट से किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख लोगों को पार्टी में मनोनीत करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल संदेश खाली में इतने सारे कांडों के बाद भी उन्हें एक बार भी संदेश खाली जाते हुए नहीं देखा गया। पार्टी की एक और स्टार नेता सयानी घोष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस उस घटना की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इसके अलावा पार्टी के एक वर्ग के बीच भी यही शिकायत थी कि बशीरहाट सीट के जिला स्तरीय नेतृत्व में उनका जुड़ाव काफी कम हो गया है। बशीरहाट क्षेत्र में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि संदेश खाली के मामले में समीकरण कुछ हद तक बदल जाता है। संदेश खाली इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। ममता के एकला चलो के इस फैसले से ये बात साफ हो गया है कि ममता को अपने वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। भले ही इंडिया गठबंधन तमाम दावे करे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी राजनीति में किसी की भी भागीदारी नहीं चाहती हैं।